मुबारक हो भाई, मुबारक हो। इस स्कूल का तो एडमिशन फॉर्म मिलना ही बहुत मुश्किल बात है। भाई साहब जरा फॉर्म तो दिखाना। नहीं नहीं दूर से देखो। अच्छा दिखाओ भाई, हटो। बहुत अच्छा है। और है ना, पता नहीं। फॉर्म खत्म, काउंटर क्लोज। छोड़ दे, फॉर्म फट जाएगा। फॉर्म मेरा, हट जा। और छोड़ दे, मैं सुबह से लाइन में लगा हुआ हूँ। तू सुबह से लाइन में लगा, मैं पिछले 3 साल से लाइन में लगा हूँ, तभी तो ये फॉर्म मेरे हाथ में आया। छोड़ दो सरदार जी, फॉर्म फट जाएगा। फट जाएगा तो मैं क्या करूँ? अगर फट गया ना तो मैं इतना मारूंगा सरदार। छोड़ दे फॉर्म को। सरदार जी छोड़ियो ना। और छोड़ दे फॉर्म, मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है। ये ठीक नहीं हुआ। चलो भाई निकल लो, यहाँ तो लफड़ा होने वाला है। भैया पिछली बार तो इस बात पर गोलियां चल गई थी, तुम देखना इस सरदार फिर पिटेगा। तूने मेरे गाल पे थप्पड़ मारा? हाँ मारा। ओए हिम्मत है तो इस गाल पे थप्पड़ मार के दिखा। ओए तूने मेरे इस गाल पे भी थप्पड़ मारा? हाँ मारा। ओए थोड़ी सी हिम्मत अगर बची है ना तो मेरी बोटी को थप्पड़ मार के दिखा। अच्छा अगर माई का लाल है तो मेरे शेर पुत्र बॉबी को हाथ लगा के दिखा, फिर देख मेरी बोटी तेरा क्या हाल करती है। हाथ लगा। और देखता हूं मैं। ये ले। ये तो फैमिली साथ में है। फैमिली साथ में ना होती तो मैं तेरा वो हाल करता, वो हाल क्या हाल करता। और ये फटा हुआ फॉर्म तुझे वापस ना करता। चल बेटा। सरदार जी हाँ, जब हर साल की तरह तुमने इस साल भी फॉर्म वापस करना ही था तो अपनी फैमिली को क्यों पिटवाया? जब मैं पहले घर में थप्पड़ खा के आता था ना तो मेरा शेर पुत्र बॉबी मुझे चिढ़ाता था, कहता था पापा ने मार खाई, पापा ने मार खाई, पापा ने मार खाई। ओए आज तो सबने मार खाई। अरे जी ये फॉर्म जमा करना था, कल आना। कल? कल क्यों? कुछ सुनाई दिया? नहीं मुझे तो कुछ सुना नहीं दिया। पिछले 1.5 घंटे से मिस टीना इस मोटे प्रिंसिपल के रूम में घुसी है, पता नहीं क्या कर रहे होंगे दोनों। मुझे ये फॉर्म जमा करना है। कहा ना कल आना। कल तो संडे है। तो परसों आना। परसों एडमिशन टेस्ट है। अगले साल आना। जी अच्छा, अगले साल मतलब एक साल भर का इंतजार करना पड़ेगा मुझे। आपको क्या लगता है क्या कर रहे होंगे दोनों अंदर? अब मुझे क्या पता, आप देख क्यों नहीं लेते? कहाँ से? अरे ये की होल है यहाँ से। ओह मुझे क्यों नहीं सूझा? नहीं नहीं मुझसे नहीं देखा जाएगा, आप देखिए ना प्लीज। ए, मैं तो देख नहीं सकता क्योंकि मैं देखूंगा तो मेरी पत्नी जरा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। देखिए ना प्लीज। ये मुझे फॉर्म देना था। फॉर्म जमा हो गया, अब देखिए। जी सब ठीक तो है ना? आ, वो दोनों हाँ एक दूसरे को हाँ देख रहे हैं। उनकी इतनी हिम्मत, मैं देखता हूँ। अंदर तो कोई है नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप, मैंने अभी अभी देखा है, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। हाँ। कौन है ये? कौन? ये क्या कर रहे हो पांडे जी? हाँ? इस तरह मेरे कमरे में आने का कोई मतलब है क्या? नॉक करके नहीं आ सकते थे हम दोनों? कुछ मेरा मतलब मैं कुछ कर रहा होता तो कुछ इंपॉर्टेंट काम तो। मैंने झांक कर देख लिया था सर, आप कुछ नहीं कर रहे थे। हाँ तो ठीक है, तुम मेरे कमरे में झांक रहे थे। मैं कहाँ झांक रहा था? अभी तो तुमने कहा। वो मैंने वो ये झांक रहा था। मैं झूठ मत बोलो, सच सच बताओ। सच बोला तो ठीक है, झूठ बोला तो दो बातें हो जाएगी, या तो तुम्हारी नौकरी जाएगी या तो नहीं जाएगी। नहीं जाएगी ऐसा मुझे नहीं लगता, मगर जाएगी तो दो बातें हो जाएगी, या तो तुम्हें दूसरी नौकरी मिलेगी या तो नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी तो अच्छा है, मगर मिलेगी तो दो बातें हो जाएगी। तुम वहां पर ही झांकोगे या तो नहीं झांकोगे। नहीं झांका तो ठीक है, मगर झांका तो दो बातें हो जाएगी। तुम वहां से भी निकाले जाओगे या तो नहीं निकाले जाओगे। नहीं निकाले जाने का सवाल ही नहीं उठता, मगर निकाले गए तो दो बातें हो जाएगी। यार क्यों बार बार तुम नौकरी खोना चाहते हो? झांकने की आदत बंद नहीं कर सकते तुम? बंद कर दी सर। गुड गुड। देखो पढ़े लिखे हो, समझदार हो, टीचर हो, ये सब तुम्हें शोभा नहीं देता पांडे जी, ठीक है? जब एक काम करो, घर जाओ। यस सर। सुनो अपने नहीं मेरे, क्या है वाइफ को कुछ मंगाना था बाजार से, भाई की छुट्टी है ना, जाओ। यस सर। सर लेकिन मेरा फॉर्म। अरे जाओ ना तुम। मेरा फॉर्म ये उषा जी को दे दो। ये उषा जी नहीं, तो ये कौन है? ये तो मैं, ये कोई और है। उषा जी कौन है? वो पूछो ना शुक्ला से, पूछो। जा उषा जी, आप मेरा नाप क्यों ले रही हैं? कुर्ता पजामा तो आपको अपने उनका बनवाना है ना। हाँ पर उनका नाप नहीं है ना। तो ले लीजिए ना। बर्थडे को सरप्राइज देना है ना, इसके लिए तुम्हें बुलाया है मैंने।
छोटी है। कमर ना? नहीं टेप, आपका नप नहीं चलेगा। तो फिर किसका चलेगा? इसका चलेगा। ये आप दोनों में से उषा जी कौन है? आपको कौन लगता है? ये देखने में तो वो लगती है, लेकिन आजकल के जमाने में कुछ कहा नहीं जा सकता ना। आइए आइए, मैं ही हूँ, आइए। अरे उषा जी, मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। अरे ढूंढ तो मैं आपको रही थी। हाथ ऊपर करो जी, मुझे ये एडमिशन फॉर्म जमा कराना है। I say handsome. Handsome? लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। अरे ऐसे नहीं भाई। तो फिर कैसे? जैसे मैं करता हूँ वैसे कीजिए। देखिए आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं यहाँ पे कपड़े सिलवाने के लिए नहीं आया हूँ। टू? अरे मैं अपने बच्चे के एडमिशन के लिए आया हूँ। हो जाएगा, पहले नाप तो लेने दो। थ्री? ये क्या कर रही हैं आप? अरे नाप ले रही हूँ, दिखाई नहीं देता। एनीवे, वो शुद्ध हिंदी के लिए हम वो क्या नाम है उसका, वो आशुतोष राणा से बात करेंगे, ठीक है? और एनीवे, और कौन कौन से सवाल होंगे टीनू टीना? सर एक्चुअली मैंने ये सोचा है कि मैं पेरेंट्स से ये कहूंगी कि वो दो का टेबल गा के सुनाए। जिस बच्चे के पेरेंट्स जितना अच्छा गाएंगे उसे उतने ही ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। गुड, वेरी गुड, बहुत मजा आएगा जब हम गाएंगे तो। आई जे के एल एम एन जी, आप भी, आपको तो फॉर्म नहीं मिला था। ओ जनाब, हमने बड़ी ऊंची सिफारिश लगवाई है। एक्चुअली क्या है कि प्रिंसिपल की बाई और हमारी जो बाई है ना, वो कॉमन फ्रेंड्स हैं, आपस में चुगलियां करती रहती हैं। अब होता क्या है कि बंदा अपनी बीवी की बात को तो टाल सकता है, लेकिन बाई की बात को टालना बहुत मुश्किल हो जाता है। बड़ा ऊंचा सोच लगाया आपने। सीधा एडमिशन क्यों नहीं करा लिया बाई कोटे में? एक्चुअली बाई अपने छेवी बेटी की एडमिशन खुद करवा रही है ना, इसलिए। गा के आप टेस्ट कैसे लेंगी भाई? दो का टेबल हम गा के कैसे सुना सकते हैं? ठीक वैसे ही जैसे मैं गा के आप लोगों को ABCD पढ़ाऊंगी, और राग का नाम है हम साथ साथ हैं। सुनिए, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ I love you. थैंक यू, क्या बात है। अब आप गाइए नेक्स्ट। जी मैं जी। 2 1 2 मैं ऐसे सुना? नहीं नहीं, बैठ जाइए बैठ जाइए। नेक्स्ट मिस्टर मक्खन सिंह, आप जी। मैं गाऊंगा जी। जी बच्चे के एडमिशन के लिए तो मैं चकड़ा भी कर सकता हूँ, तो मैं गाऊं? किस राग में गाएंगे आप? राग टोली, इंस्ट्रूमेंट टोल। टोल के ऊपर डक्का लगता है तो शुरू होता है, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो। 2 into 1 2 होते हैं, 2 into 4 होते हैं, 2 into 3 2 into 3 6 होते हैं। बस आगे ना गाना आता है ना टेबल। वेरी गुड, बैठ जाइए। अब नेक्स्ट मिस्टर मुसद्दी लाल। देखिए मेरे ख्याल में ये गा के टेस्ट लेने का सिलसिला बिल्कुल गलत है। मैं अपने बच्चे को कोई सिंगर तो नहीं बनाना चाहता। नेक्स्ट। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड रुकिए, क्योंकि मैं गाता हूँ मैं बच्चे के खातिर तो कुछ भी कर सकता हूँ। डोनेशन? हाँ। कि डोनेशन बीच में कहाँ से आ गया? बीच में डोनेशन तो पहले से ही है ना। नहीं नहीं, लेकिन डोनेशन का फॉर्म के ऊपर कोई जिक्र नहीं था भाई। अंडरस्टूड है, 50,000 डोनेशन है स्कूल का, बताओ भाई, सबको पता है। पर प्रिंसिपल साहब ये तो पर वर क्या, ये सरकारी स्कूल तो नहीं है भाई, प्राइवेट स्कूल है तो डोनेशन तो देना पड़ता है ना यार। ये गलत है। क्या गलत है? अरे भाई अपने लिए थोड़ी ना कर रही है, तो देखो भाई ये तो हम आपके नन्हे मुन्ने बच्चे के लिए कर रहे हैं ना। पैसे ज्यादा होंगे तो उनके लिए अच्छी अच्छी सीट होगी, अच्छे अच्छे टेबल होंगे, अच्छा अच्छा प्ले ग्राउंड होगा, अच्छी अच्छी टीचर होगी, अच्छी अच्छी शिक्षा होगी। शिक्षा नाम कहीं सुना सुना सा लगता है, पर नहीं, शिक्षा नाम की कोई टीचर नहीं है ना यहाँ? नहीं, कोई नहीं है। देखो शिक्षा के चक्कर में मत पड़ो, वरना तुम्हारा बच्चा भिक्षा मांगते रह जाएगा। दे दो डोनेशन। डोनेशन दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो दो बातें होगी, या तो उसको एडमिशन मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो दो बातें होगी, या तो वो पढ़ेगा या तो अनपढ़ रहेगा। पढ़ा तो ठीक है, अनपढ़ तो दो बातें होगी, या तो उसे बड़ा होकर नौकरी मिलेगी या तो नहीं मिलेगी। मिली तो आई डाउट, मगर नहीं मिली तो दो बातें होगी, या तो चोरी वोरी करेगा या तो आतंकवादी बनेगा। चोरी वोरी करेगा तो भी ठीक है, मगर आतंकवादी बना तो? अरे भाई क्यों अपने बच्चे को आतंकवादी बनाना चाहते हो, देश का नुकसान करना चाहते हो? 50,000 रुपए के लिए देश की वाट लगाओगे तो? लगाओ ना बोली। मेरे पास 50,000 रुपए नहीं। जी मेरे पास हैं। ओके, फिर हो गया फैसला। लेकिन देखो भाई, परसों लास्ट डे है, तो परसों के पहले जो पहले पैसा जमा कराएगा
उसका बच्चा आतंकवादी नहीं बनेगा। सो क्यों? मेरा तो शेर पुत्र है, बड़ा दिमागी है। ओए मैं तुझे आतंकवादी थोड़ी बनने दूंगा, तेरे पीछे चाहे मुझे पिंड की पूरी जमीन क्यों ना बेचनी पड़े। ओए मैं तेरा एडमिशन करा के रहूंगा, मैं तो तुझे शाहरुख खान बनाऊंगा। तेरा एडमिशन भी इसी स्कूल में होगा बेटा, इसी स्कूल में पढ़ेगा तू। परेशान मत होना, रोना मत बच्चे। क्या मुसद्दी बाबू, हुआ एडमिशन बेटा का? अरे नहीं, अभी तो नहीं हुआ। तो क्या सोच रहे हैं आप? अरे यही सोच रहा हूँ कि 50,000 रुपए कहाँ से जमा करूंगा। अरे सोच क्या रहे हैं, हमारे पिताजी इतना सोचे हमको क्या बनाए चपरासी। हम तो अपने बेटे के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। देखिएगा एलानिया अफसर बनेगा। सुनिए, ऐसा क्यों नहीं करते, कोई दूसरा स्कूल क्यों नहीं देखते आप? अरे कहाँ, हर एक स्कूल में वही हाल है डोनेशन वाला। पांडे जी क्या तांग छांग कर रहे हैं? पांडे जी, इनको तो लवेरिया हुआ है महाराज। लवेरिया? और क्या, प्रिंसिपल साहब की वो सेक्रेटरी नहीं है, प्राइवेट सेक्रेटरी कम सिंगिंग टीचर कम म्यूजिक टीचर। टीना देवी बियर बार से पकड़ के लाए उनको। क्या? और क्या, बियर बार में गाना गाती थी, पटेल साहब जो है ना पीछे पीछे जाते थे, वहीं चक्कर फिट हो गया। तो घर में रखेंगे तो बीबी दौड़ाएगी, तो यही ले आए हैं। जब भी मर्जी गाना सुनते रहते अंदर। पांडे जी? पांडे जी क्या करते हैं, उनके पीछे वहाँ झुनझुना बजाते थे, डबल एम ए शकल से लगते उनके कहीं से। दही वहाँ थे तो झुनझुना मास्टर थे, यहाँ आ गए तो स्कूल मास्टर होगा। तो प्रिंसिपल साहब की बीवी को मालूम है कि टीना यहाँ पे है? तलाक हो जाएगा। बीवी तो जाएगी जाएगी, नौकरी भी छूटेगी। पटेल साहब के ससुर का हो तो। अच्छा अच्छा, तो प्रिंसिपल ही दहेज में मिली थी। हाँ खैर, आप पटेल साहब का पास छोड़िए, इस बच्चे का फ्यूचर सोचिए। नहीं शुक्ला जी, अब सोचूंगा नहीं, सोचूंगा तो बच्चा चपरासी बनेगा ना, और मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा चपरासी बने। ये बात ये है मुसद्दी बाबू, अपने दिल को लगने वाली। अच्छा एक बात बताइए, ये जो 50,000 रुपये मैं पटेल साहब को दूंगा, उसमें से आपको क्या मिलेगा? हमको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा हमको। मान लीजिए 5,000 रुपये मैं आपको दूँ तो? हमको कह देंगे आप? नहीं ना, ये गड़बड़ है मामला। देखिए शुक्ला जी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, टीना और प्रिंसिपल साहब के अंदर जाने से पहले आप मुझे वहां पहुंचा दीजिएगा। चाबी तो आपके पास होती है ना? महाराज हमारी नौकरी का सवाल है, ऐसा गड़बड़ काम हम नहीं करेंगे। नहीं सर। देखिए शुक्ला जी, मेरे बच्चे की एडमिशन का सवाल है। छोड़िए सर, नहीं 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 नहीं। देखिए आपका नाम सामने नहीं आएगा, आप मेरी बात पे यकीन कीजिए ना। अरे हम कैसे यकीन कर ले मुझे दी बाबू आपका, हम तो आपको जानते भी नहीं है ना भाई। दीजिए, अब विश्वास है आपको, मेरा इकलौता बच्चा है ये। महाराज अब आदमी की क्या है, बाबा जी साहब हाथ चढ़ाइए। बच्चे की कसम खाते हैं मुसद्दी बाबू, जीवन भर रिश्वत खाए लेकिन बेटे की कसम कभी नहीं खाए हम। एडमिशन यही होगा भाई, कभी मत खाया कीजिए कसम बच्चे की। अभी फिलहाल तो मेरे पास इतने ही पैसे हैं मुसद्दी बाबू, इस पैसे से पान खा के जुलाब नहीं करवाना है, रखिए काम आएंगे। हमारा बच्चा यहीं पढ़ेगा ना, बोलो। हाँ हाँ वेरी गुड, आप दोनों तो एक साथ आ गए। बोलिए कौन कितने दे रहा है? सर जी मेरी तरफ से ये 50,000 कैश। ओके वेरी गुड, और आप अपने बेटे को आतंकवादी बनाना चाहते हैं? जी नहीं कभी नहीं, मैं भी लाया हूँ ना, ये लीजिए। वेरी गुड, पर इतना पतला सर, चेक होगा ना? क्वाइट पॉसिबल। ओ छड्डो सर, ये देखो इस लिफाफे में 10,000 कैश। ये मेरे पास दो लिफाफे और भी दो और है इसमें। ओए तू मुझसे जीत नहीं सकता सर जी, ये देखो 3 लिफाफे और ये जी मेरे 1, 2, 3, 4 लिफाफे ये ले। सर जी मेरा लास्ट है। लेकिन मेरे पास तो अभी बहुत से लिफाफे बाकी बचे हैं। ओए तेरे पास कितने चेक हैं? सर इसके सारे चेक बाउंस हो जाएंगे देखना। अरे बाउंस तो हम हो रहे हैं, क्यों तीनों? हाँ जी, तो पटेल साहब मेरा बेटा टेररिस्ट बनेगा? नहीं नहीं, इनका बेटा टेररिस्ट बनेगा। क्या? जी नहीं, इनका बेटा भी टेररिस्ट ही बनेगा। आप हम दोनों के बेटों को यहाँ पे एडमिशन देंगे और हम आपको एक पैसा भी डोनेशन का नहीं देंगे। अरे आप तो ब्लैकमेल कर रहे हैं हमें। तो आप क्या कर रहे थे?
स्कूल में एडमिशन लेने के लिए हम लोगों को डोनेशन देना पड़ेगा। किसने सिखाया ये है? और हम लोगों की मजबूरी है कि हम लोग अपने बच्चों को इस तरह के स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं। अब आप बताइए बड़े साहब, आप हमारे बच्चों को एडमिशन दे रहे हैं या मैं ये तस्वीरें आपकी बीवी तक पहुंचा दूं? नहीं 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 नहीं, शुक्ला शुक्ला दो एडमिशन फॉर्म लाओ जल्दी से। ये ले सर। ये क्या तैयार है? जल्दी साइन कीजिए। गुड गुड गुड, ये लीजिए बस। जी थैंक यू वेरी मच बड़े साहब। मगर ओ मिस्टर मुसद्दी, वो नेगेटिव्स तो दे दो। नेगेटिव्स? हाँ, लेकिन नेगेटिव्स के लिए तो आपको 50,000 रुपए देने पड़ेंगे। क्या?